गाइस आई गेस बबल वापस आया है। वो घर के अंदर आया था और उसने ना एकदम से वो लियो को घुर्राया और जैसे सब आए वो भाग गया। हमने उसको देखा नहीं अभी तक, बट वो अभी ना चारों डायरेक्शन से आके घर को देख रहा है। अभी वो उस गाड़ी के नीचे और पारस उसको वहां से देखने की कोशिश कर रहा है और मैं यहाँ से वो रख रही हूँ, चेक रख रही हूँ कि वो भागेगा तो मुझे दिख जाए कौन से एंगल पे। आई गेस ये बबल ही है जहां तक मुझे लगा, बट लेट्स सी। चैनल सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, जो आपने अभी छोटी सी क्लिप देखी वो कल एक कैट एकदम से घर के अंदर आई है और लियो को डराया है उसने, तो जैसे उसको सब लोगों की आवाज़ आई वो भाग गई। अब हमने अंधेरे में बहुत देखने की कोशिश की बट हमें नहीं पता वो बबल था मे बी या फिर नहीं था, दो ही केसेस हो सकते हैं। बबल के बारे में मैं इतना सब कुछ नहीं बताऊंगी क्योंकि बबल के लिए मैंने फुल फ्लेश्ड एक वीडियो बनाई थी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाला है, आप जाके वहाँ से देख सकते हो। बस इतना बता देती हूँ कि बबल मेरा पहला बच्चा था है। तो अभी के लिए अपडेट ये है कि मुझे लग रहा है कि मुझे वायरल हो गया है और 3 दिन से काम वाली दीदी नहीं आई है, तो दिस रूम इज़ अ मेस। सबसे पहले रूम साफ करते हैं, फिर एक बार मुझे फीवर चेक करना है, अगर मुझे फीवर हुआ तो देखते हैं मेडिसिन खाते हैं, और आज उसके बाद करना है एक बहुत बड़ा काम, और वो बहुत बड़ा और मेहनत वाला काम क्या है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। फीवर तो अभी मुझे है नहीं, 98.2 मीन्स बिल्कुल नॉर्मल, तो इट मीन्स जो मुझे काम करना वो मैं कर सकती हूँ। तो अब मेरी गोदी में विनी को देख के विनी को भी समझ में आ रहा होगा और आपको भी समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या काम करने वाली हूँ। तो जो काम आज हम करने वाले हैं वो है मेरा विनू नहाएगा, मेरा विनू नहाएगा। बट विनी को पसंद है नहाना, विनी ज़्यादा परेशान नहीं करती, लियो बहुत परेशान करता है, इसीलिए मैं पहले विनी को नहलाने वाली हूँ। क्योंकि अगर उसके बाद मेरी हालत ठीक रही और मुझे लगा कि मैं लियो को नहला सकती हूँ, मैं उसको तभी नहलाऊंगी, अदरवाइज नहीं। अच्छी विनू नहाएगा देखो, है ना कालू, काली है ना तो गंदी भी नहीं दिखती है, पता पता भी नहीं चलता, वो तो एकदम से दिखने लग जाता है ना कि गंदा हो गया, ये बिल्कुल नहीं दिखता ये बच्चा। चलो नहने करेंगे, हम विनी को लेके आ गए हैं। यार इनके साथ ना बड़ी ज्यादा दिक्कत आ रही है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं विनू नो, दो मिनट शांत हो जा, मैं नहला थोड़ी रही हूँ, अभी तो हम ऐसे बैठे हैं। इनके साथ दिक्कत पता क्या हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इनको पॉटी करवाने की ट्रेनिंग कैसे करवाऊँ। इनके लिटर बॉक्स रखे हैं, सब चीजें हैं, और लियो ठीक है लियो कर लेता है लिटर बॉक्स के अंदर, ये जहाँ लिटर बॉक्स रखा हुआ ना उसके साइड में जाके पॉटी करेगी। पहले मैंने गलती की थी कि मैंने दोनों के लिए सिर्फ एक लिटर बॉक्स लिया था, मुझे लगा छोटे छोटे हैं, बट फिर हमने तो नहीं, बट पारस ने इस बारे में पढ़ा कि दो कैट्स कभी भी एक लिटर बॉक्स में पॉटी नहीं करेगी, तो हमने दो कर दिए वो एक से, बट ये अभी भी नहीं कर रही है, क्या करूँ अब समझ में नहीं आ रहा है। अगर मैंने इसको पकड़ा ना भाग जाएगा, फिर भूल जाएगा विनी कौन है। आपका
लियो लियो यार कैमरा गिराएगा लियो किसी एंगल से बिल्ली लग रही है। ओए मेरा चमगादड़ का बच्चा, ये देख रहे हो स्क्रैच मार के खून ही निकाल दिया विनी ने, और पीठ पे तो पता नहीं क्या ही किया होगा। लियो नहाना चाहोगे? Did you hear that? करके चला गया। आपने देख ही लिया, कैट्स को नहलाना बिल्कुल इजी नहीं है। एक टाइम होता था जब लियो भी नहीं इतने छोटे से होते थे ना कि मैंने उनको मग में नहलाया था। फिर एक टाइम था जब मैं उन दोनों को साथ में टब में डाल देती थी और नहला देती थी। और आज एक टाइम आ गया है जब मैं ऑल्टरनेट डेज में नहला सकती हूँ अगर इनको नहलाना हो। मैं एक दिन में दो को नहीं नहला सकती हूँ क्योंकि विनी ने मेरी टांग में, मेरे हाथों में, मेरी पीठ पे हर जगह स्क्रैच किया, और पीठ पर मुझे इतनी दर्द हो रही है ना मैं बता नहीं सकती हूँ। और क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं सोच रही हूँ कि मैं नहाती हूँ और थोड़ा रेस्ट करती हूँ। विनी भी धूप में है, थोड़ी देर में अगर धूप चली जाती है तो फिर मैं उसको ड्रायर से और थोड़ा सा सुखा दूँगी। अब तो चला गया खून निकला था। ये रहे बच्चों के पोजेसिव पापा। लियो भी बाहर ही है यार। लियो लियो मुझे पता है कहाँ मिलेगा लियो। लियो मिलेगा यहाँ। लियो बाहर आओ, बाहर आओ लियो। तेरे पास देखियो कैसे शांत बैठी है। मेरी जो इसमें बैंड बजाई है ना आज नहाते हुए। मैं नहा गई हूँ और थोड़ा मुझे फ्रेश फील हो रहा है, बट मैं दवाई खा के थोड़ी देर लेटूंगी। एज यू गाइज नो मैंने आपको पहले बोला था मुझे मेरी थोड़ी तबीयत अच्छी नहीं लग रही है। पारस वापस आ गया है, वो कुछ काम से बाहर गया था। तो अब बच्चों का जिम्मा उठाते हुए पारस धीमान उनको सुखाएंगे, खाना खिलाएंगे और हम करेंगे रेस्ट। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। नहीं भी लग रही है तो भी कर दो और मुझे सजेशंस दे दो कि इनको और अच्छा कैसे बनाया जाए, तो मैं आपकी बात मानूंगी। ठीक है, और कुछ नहीं, कल मिलते हैं, बाय।